बापू बापू एक गुड़िया दिला दो ना। पहले मेला तो देख, गुड़िया भी दिला दूंगा तुझे। बापू गुड़िया दिला दो। पहले कुछ खा पी ले, फिर गुड़िया भी दिला दूंगा। गुड़िया भागे थोड़े ही जा रही है। नहीं, मुझे पहले गुड़िया चाहिए। हे भगवान, तुम कितनी जिद्दी हो। चलो पहले गुड़िया ही ले लो। अब तो खुश हो ना? हाँ बाबूजी। अरे बेटा, बड़ी सुंदर गुड़िया लाई हो। अब हम इस गुड़िया की शादी धूमधाम से करेंगे। हम गुड़िया की शादी अभी नहीं करेंगे माँ, यह तो अभी बहुत छोटी है। अभी तो हम इसको पढ़ाएंगे। चल पगली, अगले रविवार को इसकी शादी करेंगे। सुनते हो गुड़िया रानी के बापू, आप सब जगह न्योता दे आए ना? हाँ, अधिकतर सबको दे दिया है। बस एक किशोरी लाल और सीता मौसी को देना बाकी है। किस चीज का न्योता माँ? अरे बेटा, तेरी गुड़िया की शादी का न्योता। माँ माँ। अरे अब मान भी जा रानी। अच्छा चलो, मैं देकर आती हूँ अपनी गुड़िया की शादी का न्योता। अरे तू रहने दे। मगर वह बाहर निकल गई। देखो मैं ये गुड़िया लाई हूँ, तुम सबको अगले रविवार मेरे घर आना है, हम मिलके इसकी शादी करेंगे। कैसी हो रानी? अच्छी हूँ। आप हमारे घर आना, मेरी गुड़िया की शादी है। अच्छा, जरूर आएंगे। माँ मुझे दुल्हन क्यों बना रही हो? गुड़िया दुल्हन बन गई? हाँ जी बन गई। गुड़िया की माँ, अब रोती क्यों हो? जल्दी करो, देर हो रही है। बेटा बड़ों का सम्मान करना, अच्छा खाना बनाना और अपने पति की बात मानना। मगर सारी बातें अनसुनी करते हुए वह अपनी बात कहती रही। माँ मुझे कहाँ भेज रहे हो, और यह चाचा जी कौन है? चल पगली, ये तेरा पति है, चाचा नहीं है। माँ माँ मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। चल बेटा बस अब चुप हो जा। सुनो जी, रानी की शादी तो कर दी है, भगवान करे वो सुखी रहे। और कई आवाजों में उसकी आवाज दबकर रह गई। क्या आपके ख्याल में रानी का इतनी छोटी उम्र में विवाह करना अक्लमंदी है? कम उम्र में शादी करना कानूनन अपराध है। लड़कियों को जल्दी शादी करने से बहुत सी शारीरिक और मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। बापू बापू एक गुड़िया दिला दो ना। पहले मेला तो देख, गुड़िया भी दिला दूंगा तुझे। बापू गुड़िया दिला दो। पहले कुछ खा पी ले, फिर गुड़िया भी दिला दूंगा। गुड़िया भागे थोड़े ही जा रही है। नहीं, मुझे पहले गुड़िया चाहिए। हे भगवान, तुम कितनी जिद्दी हो। चलो पहले गुड़िया ही ले लो। अब तो खुश हो ना? हाँ बाबूजी। अरे बेटा, बड़ी सुंदर गुड़िया लाई हो, अब हम इस गुड़िया की शादी धूमधाम से करेंगे। हम गुड़िया की शादी अभी नहीं करेंगे माँ, यह तो अभी बहुत छोटी है, अभी तो हम इसको पढ़ाएंगे। चल पगली, अगले रविवार को इसकी शादी करेंगे। सुनते हो गुड़िया रानी के बापू, आप सब जगह न्योता दे आए ना। हाँ, अधिकतर सबको दे दिया है। बस एक किशोरी लाल और सीता मौसी को देना बाकी है। किस चीज का न्योता माँ? अरे बेटा, तेरी गुड़िया की शादी का न्योता। माँ माँ। अरे अब मान भी जा रानी। अच्छा चलो, मैं देकर आती हूँ
अपनी गुड़िया की शादी का न्योता। अरे तू रहने दे। मगर वह बाहर निकल गई। देखो मैं ये गुड़िया लाई हूँ, तुम सबको अगले रविवार मेरे घर आना है, हम मिलके इसकी शादी करेंगे। कैसी हो रानी? अच्छी हूँ। आप हमारे घर आना, मेरी गुड़िया की शादी है। अच्छा, जरूर आएंगे। माँ मुझे दुल्हन क्यों बना रही हो? गुड़िया दुल्हन बन गई? हाँ जी बन गई। गुड़िया की माँ अब रोती क्यों हो? जल्दी करो, देर हो रही है। बेटा बड़ों का सम्मान करना, अच्छा खाना बनाना और अपने पति की बात मानना। मगर सारी बातें अनसुनी करते हुए वह अपनी बात कहती रही। माँ माँ मुझे कहाँ भेज रहे हो और यह चाचा जी कौन है? चल पगली, ये तेरा पति है, चाचा नहीं है। माँ माँ मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। चल बेटा बस अब चुप हो जा। सुनो जी, रानी की शादी तो कर दी है, भगवान करे वो सुखी रहे। और कई आवाजों में उसकी आवाज दबकर रह गई। क्या आपके ख्याल में रानी का इतनी छोटी उम्र में विवाह करना अक्लमंदी है? कम उम्र में शादी करना कानूनन अपराध है। लड़कियों को जल्दी शादी करने से बहुत सी शारीरिक और मानसिक समस्याएं हो सकती हैं।